नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं अनिल लैब। दोस्तों, आज हम एक और नए मोटर ड्राइवर मॉड्यूल की बात करेंगे। हमने पहले ऑलरेडी हमने कई मॉड्यूल्स के बारे में बात कर चुके हैं, आज हम एक और नया लेंगे। ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ से है और इसका पार्ट नंबर है DRV8833। कई फ़ायदे हैं इसके, साइज छोटा है, बहुत बहुत छोटा साइज है और दो चैनल का इसमें आउटपुट मिलता है हमको, और करंट रेटिंग जैसा कि साइज है उसके हिसाब से करंट रेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, 1.5 एम्पियर की करंट रेटिंग मिल जाती है। हाँ, बस एक ड्रॉबैक है इसका कि वोल्टेज की जो रेंज है वो ज़्यादा नहीं है, वो 3 वोल्ट से लेके 10 वोल्ट तक है। यानी कि अगर आपको 6 वोल्ट की मोटर चलानी है या 9 वोल्ट की मोटर चलानी है तो ये ठीक है। अगर 12 वोल्ट की, 15 वोल्ट की, 24 वोल्ट की मोटर चलानी है तो आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन अगर छोटी एप्लीकेशन है कहीं, वहाँ हम इसको, जहाँ मोटर की वोल्टेज 10 वोल्ट से कम है वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। साइज भी इसका बहुत छोटा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे बहुत छोटा साइज है, 18.5 mm x 16 mm का है। वोल्टेज बता दी मैंने आपको, करंट इसका सेम 1.5 एम्पियर है, दो चैनल हैं इसमें, दोनों तरफ चलेगा। बाकी सारी प्रोटेक्शन है इसमें, ओवर करंट की प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट है, अंडर वोल्टेज लॉकआउट, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन, तो ही थर्मल शटडाउन और लो पावर स्लीप मोड भी है इसमें। लो पावर स्लीप मोड को हम इसका जो ULT पिन है उससे हम सेट करेंगे। दो पिन इसकी आउटपुट की होती हैं, OUT1 OUT2 एक के लिए, फिर OUT1 OUT2 दूसरे के लिए, यानी कि OUT1 2 और 3 4। ऐसे ही इनपुट दो होंगे, इनपुट भी 1 2 और 3 4। EE पिन, ये बेसिकली आउटपुट प्रोटेक्शन कह लो, एनेबल कह लो, उस टाइप के लिए ये यूज़ करते हैं। इसको हम हट वो कर देंगे, शॉर्ट्स मतलब इसको हम सप्लाई देते हैं। या तो दो सिंगल मोटर ड्राइव कर लो आप 12, मतलब दो सिंगल मोटर DC मोटर ड्राइव कर लो, या फिर एक स्टेपर मोटर ड्राइव कर लो। स्टेपर मोटर में क्योंकि दो वाइंडिंग होती है, इसलिए या तो स्टेपर मोटर डाउन हो जाएगी या फिर सिंपली दो हमारी अलग अलग डिफरेंट मोटर्स हो जाएंगी। अब इस मॉड्यूल का हम कनेक्शंस देखते हैं, कैसे कैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे। ये आप देख रहे हैं दो इनपुट की पिन है, इनपुट 3 4 और ये इनपुट 1 2। तो ये एक पहली आउटपुट के लिए ये है, दूसरी आउटपुट के लिए ये है। यहाँ पर आप इनपुट देंगे, आपका जो भी आपका माइक्रो कंट्रोलर से सिग्नल आएगा वो इन दोनों पे आएगा। ग्राउंड कॉमन है, VCC वो है जो बैटरी की हमें सप्लाई देनी है, यानी कि जो बैटरी के लिए जो पावर जाएगी, बैटरी नहीं सॉरी मोटर के लिए जो पावर जाएगी, मोटर का जो VCC होगा वो ये होगा, मोटर के लिए सप्लाई जाएगी। बस यही आउटपुट हमारे 4 हो जाएंगे। ऐसे ही जो IN 1 2 था उसका आउटपुट OUT 1 2 और 2 3 का 3 4। और ये जो है EE पिन, इसको हम जंपर कर देते हैं। ये देखो, डिवाइस को एनेबल करना है, एनेबल की पिन है बेसिकली, एनेबल करना है तो ये जंपर जो छोटा दिया हुआ है इसको हम शॉर्ट कर देंगे तो हमारा डिवाइस काम करने लगेगा। शॉर्ट नहीं होगा यानी कि अगर हमें रिमोटली इसको, इस पिन को बाहर भी ले जा सकते हैं और रिमोटली इसको हमें ऑन ऑफ करवाना है या फिर इसका ऑन ऑफ का कंट्रोल हमें रखना है कि हम नहीं चाहते कि हमेशा ऑन रहे मेरी मोटर ड्राइवर और मेरी मोटर, तो हम इसको माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू ही हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये वाला जो पिन है ULT की, ये भी ओवर टेम्परेचर की और IMAX की लिमिट की, ये मतलब प्रोटेक्शन की ये पिन है। दो हमारी मोटर इसमें चल जाएंगी, एक ये और एक ये। छोटा साइज काफ़ी होता है, मैंने यूज़ किया हुआ है, जो बात ऊपर लिखी थी वो यहाँ चाइनीज़ में लिखी है, कोई नया फ़र्क नहीं है। इसको ड्राइव करने के लिए भी वो सेम चीज़ जो हमने 293 के बारे में देखा था, सेम चीज़ है। दो इनपुट हैं तो वही, एक को हम हाई करेंगे, एक को हम लो करेंगे, दूसरे को हाई करेंगे तो एक डायरेक्शन में जाएगा, और एक को फिर हाई करेंगे, दूसरे को लो करेंगे तो वो दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। दोनों को लो करेंगे तो बंद रहेगी, दोनों को हाई करेंगे तो मोटर बंद रहेगी। किसी भी मोटर ड्राइवर में, इसमें ही नहीं, किसी भी मोटर ड्राइवर में अगर हमें डायरेक्शन कंट्रोल करनी है तो हम यही करते हैं, हम एक को 0 करते हैं, दूसरे को 1 करते हैं तो एक डायरेक्शन में भागती है, दूसरे को 1 करते हैं, पहले को 0 करते हैं तो दूसरे डायरेक्शन में भागती है। ये आप याद रखना, कोई भी मोटर ड्राइवर हो उसमें मोटा मोटी यही रहता है। इसमें हम क्या, इसमें मैं जो मैंने यूज़ किया था उसमें क्या है कि हम PWM जो हमारी L293 थी ना, उसमें तो PWM की पिन एक अलग से थी,
इसमें हम पी डब्ल्यू एम इसी में ही दे देते हैं, ये जो इनको सिग्नल जा रहे होते हैं वो पी डब्ल्यू एम के फॉर्म में हम दे देते हैं, तो भी हमारी स्पीड जो है वो कंट्रोल हो जाती है। एल 293 में या 298 में हमारे पी डब्ल्यू एम की एक अलग डेडिकेटेड पिन होती है, उसको दिया वो स्पीड कंट्रोल करती है। इसमें हम इसी को जो सिग्नल दे रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर से, इसमें उसको ही हम पी डब्ल्यू एम सिग्नल देते हैं और वो हमारा स्पीड को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए कंपोनेंट के साथ। धन्यवाद।